जिले के शासकीय स्कूलों में हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल विद्यालयों के 0 से 40% परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों के 184 शिक्षकों की दक्षता परख ने दक्षता संवर्धन परीक्षा आयोजित की गई। 3 घंटे के प्रश्न पत्र में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को अपने साथ पुस्तक रखने की छूट दी गई थी। वहीं दक्षता परीक्षा का आयोजन दोपहर 12 बजे से मार्तंड एक्सेलेंस मार्तंड क्रमांक 1 में आयोजित किया गया। इस दौरान 172 शिक्षक उपस्थित हुए, जबकि 4 अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। वहीं 8 ऐसे शिक्षक भी शामिल थे जिन्हें पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस परीक्षा को लेकर शिक्षकों में काफी रोष देखा गया। प्रस्तुत है आक्रोशित शिक्षक सहित जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आर एन पटेल से जानकारी के अंश। ये ऐसे विद्यालय के विषय शिक्षकों की परीक्षा हो रही है जिनके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के रिजल्ट 40% या उससे कम आए थे, तो उन लोगों की आ रही सब लोग उन लोगों उन शिक्षकों की आज हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में जो पदस्थ शिक्षक थे आज उनकी परीक्षा यहाँ पर आयोजित थी। परीक्षा में तो सामान्य जो भी सामान्य चीज़ें रहती हैं वो व्यवस्थाएं थीं, लेकिन प्रायः हम ये कह सकते हैं कि इस परीक्षा के प्रति जो लोग जिन लोगों ने परीक्षा दी है उनमें बहुत आक्रोश था। परीक्षा कक्ष में भी लोग यदा कदा अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, क्यों इस बात को आक्रोश था कि यदि बच्चे का रिजल्ट कम हुआ है, रिजल्ट कम बच्चे पास हुए हैं, तो कौन सा रिसर्च ये कहता है कि टीचर की परीक्षा हो उसके कारण? टीचर की परीक्षा क्यों हो अगर बच्चा पास नहीं हुआ है? तो जो शैक्षिक प्रशासन के लोग हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो अपनी परीक्षा कराएं कि हमारी नीति में, हमारी योजनाओं में कौन सी कमियां हैं जिसके कारण बच्चों के पास तक नॉलेज नहीं पहुंच पा रहा है। अब बारी है, आज हम लोगों ने परीक्षा दे दी, हमारी परीक्षा हो गई, हम पास होंगे फेल होंगे जो होंगे हमें सिरोधार रहे, लेकिन अगर ईमानदारी से हिम्मत है तो अधिकारी परीक्षा के लिए आवाज़ करें और उनकी परीक्षा हम लेंगे। CPI मैम परीक्षा दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी परीक्षा दें, और दक्षिण कोरिया की यात्रा करने के लिए जो पैसा वेस्ट किया है अधिकारियों ने वो पैसा वापस करें। जनता का पैसा है, किसी के पिताजी का पैसा नहीं है। पैसे से आप मजा मार के आ गए, क्या सुधार किया आपने? और जो चाय नाश्ता समोसे में जो आप रोज मीटिंग करके कार्य योजनाएं बनाते हैं वो जनता का पैसा वापस करिए और परीक्षा दीजिए। आप परीक्षा दीजिए। तो ये आक्रोश लोगों के मन में है। यदि बच्चा 40% से कम बच्चे पास हुए किसी विषय में, कौन सी स्टडी ये कहती कि उसका मतलब है कि टीचर को नॉलेज नहीं है? बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हम देख रहे थे, बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन बच्चा क्यों नहीं पास हो रहा, उसके पीछे के कारणों का कभी हमारे अधिकारियों ने और विभाग ने कभी विश्लेषण करने की कोशिश नहीं की। हमारे यहाँ लगभग हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ लगभग अभी भी 40% के लगभग लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए भोजन पहली ज़रूरत है, वो विद्यालय नहीं आना चाहते हैं उन बच्चों को। दूसरी बात यह है कि आपके स्कूलों में प्राचार्य हैं, मैं विषय शिक्षक भी हूँ, प्राचार्य भी हूँ, वेतन पाता हूँ विषय शिक्षक का, काम करता हूँ 2 पद का, प्राचार्य का भी और विषय शिक्षक का। 0% रिजल्ट मेरे विद्यालय का पिछले सत्र में था, मैंने उस स्कूल में ज्वाइन किया और 43% रिजल्ट दिया इस साल, 0 से 43। किसी विभाग ने रिकॉग्नाइज किया कि मेरे काम को, किसी ने प्रोत्साहित किया क्या मुझे कि आपने मेहनत की और 43% आपने रिजल्ट लाया? केवल हमें परीक्षा में आने के लिए आमंत्रित कर दिया, हमने आपके प्रिंसिपल ही फालतू में की और हमने अपने विषय को कमजोर कर दिया, इसके कारण हमारा रिजल्ट। मैं जून माह में ट्रांसफर होकर के आया हूँ, अभी जून 2020 में स्थानांतरण होकर के आया हूँ, और मुझे पिछले 19-20 के वर्ष में के परीक्षा परिणाम के आधार पर मुझे परीक्षा में बैठाया गया। तो मुझे परीक्षा देने में कोई भी कहीं वो नहीं है और बार बार देंगे, हर साल देंगे, बार बार दूंगा, और हम लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे अपने, हर साल टीचरों को टॉर्चर करने का ध्यान इसी बात पर देंगे क्योंकि हमें तो परीक्षा देनी ही है, हम चाहे जितनी मेहनत कर लें। जो हमारे सिस्टम के हमारे शिक्षा के अधिकारी हैं, जो लोकल बॉडी है, जो इसमें निरीक्षण करता है, वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। केवल 3 है, जबकि उत्कृष्ट विद्यालय सिरमौर है वहाँ पर जो है केवल मुश्किल से 3 स्टाफ है और अति शिक्षक से किसी तरीके से काम चलाया जाता है। तो उसमें हमारा कहना है ये कि सबसे पहले शिक्षकों की जो है एक वो किया जाए, शहर में जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि शहर में ज़्यादा शिक्षक हैं, गांव में कोई शिक्षक है नहीं, शिक्षक विहीन है, और इसमें यदि रिजल्ट गड़बड़ होता है तो उसमें शिक्षक दोषी किया जाता है, तो ये कहाँ का न्याय संगत है? इसमें 178 दर्ज थे तो 172 टीचर उपस्थित हैं परीक्षा में। परीक्षा देने वाले परीक्षी इनको शिक्षकों में आक्रोश है कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट बिगड़ने का क्या हमको क्यों दोषी ठहराया जा रहा है, हमसे क्यों परीक्षा ली जा रही है?
ऐसे में तो अधिकारियों की तो इच्छा होनी चाहिए। शिक्षण कार्य में मुख्य रूप से जिम्मेदार तो टीचर ही रहता है, तो उसको आता है कि नहीं आता है ये मुख्य रूप से ये बात थी कि शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होना चाहिए, केवल इसकी परीक्षा है, अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको हम शासन ठीक करेगा। उनको कहना था कि बच्चे अगर स्कूल ही नहीं आएंगे तो हम किसे पढ़ाएंगे, कई ऐसी स्कूल हैं जहाँ बच्चे 40% से भी कम आ रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीचरों की भी कमी है, तो क्या इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए कि हम लोग केवल टारगेट किए जाए। टीचरों की कमी है लेकिन सरकार ने अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की है, तो अतिथि शिक्षक भी सब टीचर ही हैं और तमाम गाँव में हैं, तो कमी तो नहीं कह सकते कि टीचरों की कमी है। एक शिक्षक से कई प्रकार के काम लिए जा रहे हैं, काम समय समय पर जो भी आता है शासन का तो वो सभी को करना पड़ता है, तो ऐसा कभी कभी रहता है जैसे निर्वाचन वगैरह में या कभी ऐसी कोई बात आ गई, लेकिन सामान्यतः तो शिक्षक को शिक्षण कार्य ही करना होता है। आपके यहाँ ये